वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अलजेब्रा हैक्स, जो एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 2018 बैच के लिए, स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास अलजेब्रा का स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से होगा, थोड़ा मैं कैमरा का सेटिंग हो जाए, उसके बाद टायर वन ख़त्म होने के बाद आपका हो जाएगा। अगर किसको इसका ई बुक चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 60 रुपीज़ इस बुक का कॉस्ट प्राइस है, ओनली 60 रुपीज़। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस बुक को बाय कीजिए, क्योंकि 60 रुपीज़ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है आपका कैरियर में। इस बहुत आपका हेल्प करेगा, क्योंकि इसका कंटेंट इतना अच्छा है, एक बार आपको स्टडी करके ही पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा लेक्चर अलजेब्रा हैक्स। देखिए, अलजेब्रा इज द इजिएस्ट टॉपिक ऑफ फॉर एसएससी, बिकॉज यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी फार्मूला फॉर इट, एंड ऑल द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 10 सेकेंड विथ जुगाड़। देखिए, फर्स्ट लेट मी शेयर विथ यू द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। देखिए, मैं आपको बार बार मेरे वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन होता है, एंड एक होता है आपका सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन एंड और एक होता है आपका नॉन सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। देखिए, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इज द वन इन व्हिच द वेट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स मींस ए बी सी एटेस्ट्रा इज इक्वल। एग्जाम्पल विल मेक इट थिंग्स क्लियर। ओके, चलिए देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे ए क्यू बी क्यू सी क्यू सेम चीज है, 3a + 3b + 3c सेम चीज, a² + b² + c² सेम है, a + b + c सेम। बट यहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल देखिए कैसा होता है, a - b + c होगा या फिर 2a + 3b + 3c होगा, किसको किसके मैच नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशंस। देखिए हैक कैसा होता है, हमारा हैक होता है व्हेन एवर यू एनकाउंटर ए सिमेट्रिकल इक्वेशन इन एनी क्वेश्चन यू कैन सेफली अज्यूम a = b = c। जब भी आपको कहीं पे आपको सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन मिल गया, सिंपल आप अज्यूम कीजिए a = b = c, और कुछ भी वैल्यू अज्यूम करने का जरूरत ही नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, देखिए 3a² + b² + c² = a + b + 0² देन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। मैं आपको बताया क्या, ये देखिए ये पूरा आपका सिमेट्रिकल इक्वेशन है। जैसे 3a² + 3b² + 3c², ये आपका सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। देन a + b + c² ए भी आपका सिमेट्रिकल इक्वेशन आएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, a = b = c पुट करना है, तो आंसर a = b = c कितना ईजी है। जस्ट नेक्स्ट, अभी देखिए इफ a² + b² + c² = ab + bc + ac। मैं आपको क्या बताया भाई, सिमेट्रिकल इक्वेशन है, मीन्स a = b = c पुट कीजिए, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। मीन्स a + c / b को हम सी को ए पुट करेंगे, बी को ए पुट करेंगे, तो हमारा आंसर वैल्यू क्या आएगा, 2, आंसर इसका बी। सिमिलरली x - a² / b + c x - b² / c + a x - c² / a + b = 4a + b + c देन x = how much देन आपको क्या बताया, देख ए बी आपका एक सिमेट्रिकल इक्वेशन मीन्स x - a² / b + c x - b² / देखिए ये पूरा आपका सिमेट्रिकल इक्वेशन। तो यहीं पे भी आपको a = b = c पुट करना है। मैं पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हूँ, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हियर द इक्वेशन इज कम्प्लीटली सिमेट्रिकल, हेंस वी अज्यूम a = b = c देन पुट b = a c = a देन आप RHS को मिलेगा कितना, आपको LHS हो जाएगा 3s - a² / 2a RHS हो जाए, RHS आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा 12a, तो s = 9a² तो आपका ऑप्शन में हमको मिल गया x का वैल्यू 9a² तो a = b = c का पुट कीजिए ऑप्शन में, तो हम पहला हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि a b की जगह a पुट करेंगे, c की जगह a पुट करेंगे, तो a + a + a 3a² = 9a² चलिए। देखिए सेम क्वेश्चन bc + ab + c = abc देन द वैल्यू ऑफ कितना, सेम क्वेश्चन देखिए ab + bc + c = abc देन द वैल्यू ऑफ b + c * a - a सेम क्वेश्चन क्या बोला था, bc + ab + c एक सिमेट्रिकल इक्वेशन है, डायरेक्ट पुट कीजिए a = b = c आंसर आपका आ जाएगा। देखिए हैक नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हैक नंबर 2, व्हेन ओनली ए सिंगल इक्वेशन इज गिवन, जब भी आपको एक सिंगल इक्वेशन दिया होगा, जैसे a + b + c = 0 ab + bc + c = 0 ऑन दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, यू कैन अज्यूम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वंस ईयर सेल्फ, बट मेक श्योर टू अज्यूम ओनली सच वैल्यूज दैट विल नॉट मेक द डिनोमिनेटर 0। ओके, तभी आपको
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस वाई जेड। ओके, तो इसमें क्या वैल्यू पुट करना है आपको, एक्स इक्वल माइनस वन वन एंड जेड इक्वल जीरो। एंड ध्यान दीजिए, आप जो भी वैल्यू लेंगे डिनोमीटर कभी आपका जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब भी आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, अब याद रखिए एक्स वहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे, वाई इक्वल वन पुट करेंगे, जेड इक्वल जीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ ए प्लस बी इक्वल वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इक्वल वन में पुट कर सकता हूँ, ए को वन, बी को जीरो, बी को जीरो, ए को वन, जो भी पुट करेंगे आंसर आपका जीरो ही आएगा। देखिए इफ एक्स इक्वल टू ए टू दर वन बाई हाफ प्लस ए टू दर माइनस हाफ। देखिए एक क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, बहुत मुझे इस क्वेश्चन के बारे में मेरा ग्रुप में भी आया था। तो देखिए इसके क्वेश्चन कितना इजी होगा, देखिए एक्स इक्वल टू ए टू दर हाफ प्लस ए टू दर माइनस हाफ। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, एक्स इक्वल टू टू आप पुट कीजिए दिस इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बोथ डिपेंड्स ऑन ए कॉन्स्टेंट है। तो ए एंड एक्स का वैल्यू आपका ए के ऊपर डिपेंड करता है, वाई का वैल्यू भी ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो वी कैन अज्यूम देन एनी वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू कुछ अज्यूम कीजिए, मैं अज्यूम एंड दिस विल गिव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको ए का वैल्यू अज्यूम, मैं ए का वैल्यू वन मान लिया तो मुझे एक्स वैल्यू टू मिला, वाई वैल्यू जीरो मिला। तो हमको पूछा यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे टू, वाई का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए टू एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन आपको वैल्यू करना है, पुट वैल्यू निकालना है एक्स इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो सेम क्वेश्चन, आप ए को मान लीजिए टू, बी को टू, सी को टू, एक्स को थ्री, ऐसे मानेंगे तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे मैं पिक द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच देयर देयर सम इज 25। लेट्स अज्यूम आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके कैसे इसको हैक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी आपका सिमेट्रिकल इक्वेशन है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि यार ना स्क्वायर माइनस बी सी समटाइम्स दैट इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अज्यूम वैल्यूज फॉर द वैल्यू। इसके लिए आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो सिंपल आपको क्या करना है, स्क्वायर माइनस बी सी बाई स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस ए एल प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू वन। देखिए इस ए तो आपका सिमेट्रिकल इक्वेशन है, बट वी कैन नॉट अज्यूम हियर ए इक्वल टू बी इक्वल सी, क्योंकि बिकॉज दैट विल मेक एल एच एस इक्वल टू जीरो। आपका अगर ए इक्वल टू बी इक्वल सी अज्यूम करेंगे तो ये आपका टोटल पार्ट जीरो हो जाएगा। सॉरी ओके, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, तो टोटल पर जीरो हो जाएगा। बट हम ए वन दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे ना, हर एक पार्ट को वन बाई थ्री अज्यूम करेंगे, वन बाई थ्री, इसको भी वन बाई थ्री, इसको वन बाई थ्री, क्योंकि वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री हमको वन मिलता है। तो देखिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसमें, तो कैसे आपको करेंगे, आपको अगर इस बुक चाहिए तो प्लीज़ इसको खरीद लीजिए अभी भी। अभी सेम क्वेश्चन आया है, रिपीट सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए इफ एवरेज ऑफ टू नंबर एक्स एंड वन बाई एक्स इज ए, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ एस क्यू एंड वन बाई एस क्यू। देखिए इफ एवरेज ऑफ, देखिए अब कैसे करेंगे, देखिए पुट एक्स इक्वल टू वन, देन सिंस ए इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वन बाई एक्स इट्स वैल्यू विल बी ए इक्वल टू वन। देन देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, तो टू एक्स इक्वल टू रूट ए प्लस वन बाई रूट ए ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस एस स्क्वायर माइनस। कितना जल्दी करेंगे देखो, यहाँ पे हम पुट करेंगे ए का वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाए 1.25, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इक्वल टू 3/2। ओके तो आंसर हमारा 1 जाएगा। तो देखिए कैसे इजी तरीका से ये आपको मिलेगा। तो देखिए सेम द वैल्यू ऑफ इसको भी मैं सॉल्व किया हूँ, एस इक्वल टू जीरो पुट करें, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा, सब में जीरो पुट करेंगे। देखिए एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ट्वेल्व इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस 45 में एक्सप्रेस, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है इसको पूरा डिटेल में लिखा है। पुट ए इक्वल जीरो, इसमें ए को जीरो पुट करेंगे तो कुछ तो वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे अलजेब्रा में, देखिए ये पूरा आपको मिलेगा इसमें। तो प्लीज रूट, देखिए रूट एक्स इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव, कभी आपको पता नहीं चलेगा स्क्वायरिंग नहीं होगा। रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.73, रूट फाइव का वैल्यू होता है 2.23, हैंस रूट एक्स इक्वल टू 0.025। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर इस बुक को चाहिए ऐसे ही आपका रीजनिंग सेक्शन भी यहाँ पे मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको,
बहुत सारे देखिए मिक्सचर आने का एलिगेशन का पूरा डिटेल, एलिगेशन इज ए मेथड ऑफ सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, देखिए कहाँ पे एलिगेशन आपको लगाना है, रूल ऑफ एलिगेशन क्या है, पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको बुक में मिलेगा। तो चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए रीजनिंग का हैक भी आपको मिलेगा, लास्ट में आपको इंग्लिश का मिलेगा। देखिए इफ द सम ऑफ द इंटर एंगल्स में रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू टू टाइम्स द सम ऑफ द स्ट्रे एंगल्स, ये पूरा पॉलीगन का डिटेल पूरा ट्रिगोनोमेट्री हैक्स कैसे होता है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे हैक करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि 45 पुट करेंगे। इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी, देन आप थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप थीटा का वैल्यू सेम पुट करेंगे तो बी का वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा यहाँ पे निकाल देंगे। अभी देखते हैं हम रीजनिंग का। देखिए ये सब आपको मिलेगा 660 रुपीज़ में। देखिए एडिशनल हैक जितना है, 12 कैसे सॉल्व करते हैं, 72 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिक टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द नंबर क्विकली, देखिए कैसे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको रीजनिंग भी मिलेगा। एक सेकंड, रीजनिंग ऊपर रहेगा शायद, इसमें रीजनिंग है आपका। एक सेकंड मैं आपको रीजनिंग दिखाता हूँ। देखिए आपको रीजनिंग भी आपको यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री का, देखिए कैसे आपको निकालना है एंगल साइन बी ए डी, देखिए 1:3 होगा, देखिए ये वाला x है, ये वाला 3x है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे साइन ए इसका से इससे एंड साइन 45 का इससे, ए सी डी में ट्रायंगल ए सी डी में कैसे निकालना है। तो बहुत सारे हैक इसमें मिलेंगे, देखिए फाइंड द फिगर राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा प्रॉपर्टीज, बी ए डी कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें मिलेगा, और रीजनिंग पे आएगा इस पर बात। ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3:1 का जैसे रेशियो आएगा, जो 3:1 का 90 डिग्री कैसे हुआ है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए नेक्स्ट आप देखिए। अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बुक आपको जॉब बहुत ही ज़रूरत है। रीजनिंग हैक के लिए, रीजनिंग तो आपको ऐसा इजी टॉपिक है, फिर भी हैक के लिए देखिए कुछ तो ऐड हुआ है इसमें। देखिए कैसे आपको ट्रैक क्रैक करना है एसएससी रीजनिंग का क्वेश्चन, पूरा डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए एनफोर्स रिवोक नलीफाई एक्सपॉन्ज, ओके देखिए पूरा सी भॉग सी नेक्स वॉयज सी सिकनेस हाइट्स क्या होता है, दिस क्वेश्चंस में पोस्ट डिफिकल्ट इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सॉरी। तो अगर आपको इसे पूरा डिटेल इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता है किसी भी आपको दिक्कत होगा। देखिए कैसे ऑर्डर को डिक्शनरी ऐड करना है, अब देखिए देखिए काउंटिंग फिगर पीपल पेपर फोल्डिंग बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए कैसे पेपर फोल्डिंग आप ये करेंगे, तो कैसे लेयर से पता चलेगा आपको कौन सा लेयर में क्या है। तो देखिए रीजनिंग डाइस का है, डाइस का पूरा ट्रिक है यहाँ पे, डाइस का मैंने अच्छे से ट्रिक यहाँ पे समझाया है। अनफोल्ड क्यूब कैसे होता है आपका, देखिए जैसे आपका इन शॉर्ट नो मैटर व्हिच, देखिए डाइस का आपको कैसे पता चलेगा पूरा डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कितना फिगर काउंट करेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 1 2, अगर 4 होगा तो आप कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट इसमें पता होगा हाउ मेनी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो वो आपको पता है 1 2 नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आपका 4 है, अप्लाई द फॉर्मूला n(n+1)(2n+1)/6, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपका ये देखिए ऑड नंबर होगा तो कैसे करेंगे, ऑड नंबर होगा तो आप कैसे करेंगे, दिस रेक्टेंगल इज ए 4 × 3 ग्रिड, 4 रोज एंड 3 कॉलम है, तो आप डिया क्या करेंगे 4 × हियर n = 4 m = 3, ओके ऊपर साइड वाला का n होता है, ऊपर वाला m होता है, तो m × n+1 2n+1/6, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 4 × 2 8 + 4
ऐसे सॉरी इसका एक मैं यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट में समझाया हूँ थोड़ा। आप ऐसे एक एक करके निकाल सकते हैं, जैसे 4 × 2 8 + 4 × 3, 4 × 3 + 4 × 2 ये आपको 20। अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कैसे फिगर काउंट करते हैं। तो अगर इस बुक को आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसमें कितना ट्रायंगल है, कैसे काउंट करेंगे, n+2 × 2n+1 भाई। देखिए पूरा डिटेल इसमें समझाया है, तो एडिशनल लॉग में आपको चलेगा। देखिए एडिशनल लॉग में कैसे स्क्वायर करते हैं सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ओके एक्टिव वॉइस में आपको मिल जाएगा, देखिए पैसिव वॉइस, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें हुआ है। तो प्लीज़ अगर इस बुक को आपको खरीदना चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस बुक को ख़रीदना है। 60 रुपीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पैसे एक अच्छा बुक मिल जाएगा। तो थैंक यू।